पकड़ लूंगा लिटरली, पहला अटेम्प्ट ब्लेज़ मौत को पकड़ने का, पहला अटेम्प्ट प्लीज आ जाएगा। में आप लोगों को याद होगा हम लोगों ने यार बेलेनोस गॉड को पकड़ा था, बट मैं सच बता रहा हूँ मेरी किस्मत इतनी ज्यादा टट्टी थी ना भाई, मैंने एक बार बेलेनोस को हराया, उसका अंडा मिला, देन मेरे से एक बहुत बड़ी गलती हो गई जिसकी वजह से वो अंडे ही घूम गया भाई। देन आफ्टर मैंने भाई फिर से बेलेनोस को समन किया, दोबारा से हराया, फिर उसके अंडे मिले, एंड बाय चांस मुझे भाई दो लेजेंडरी अंडे मिले, दो मतलब समझ रहे हो, उससे दो बहुत ही ज्यादा मॉन्स्टर लेजेंडरी पोकेमॉन आने वाले हैं। सो वेल यार आज हम लोग वो दोनों अंडे को फोड़ेंगे एंड उससे निकालेंगे लेजेंडरी पोकेमॉन, देन हम लोग जाने वाले हैं द ग्रेट ब्लेस मॉन्स्टर से लड़ने। एंड वेट एंड थैंक यू फॉर 800K भाई, लव यू भाई, इतना प्यार क्यों करते हो यार मुझसे, शादी करना पड़ जाएगा मुझे आपसे। बट एनीवेज यार प्यार कम नहीं होना चाहिए भाई, अभी 1 मिलियन भी हिट करना है मुझे, तो फटाफट से यार सब्सक्राइब करो एंड चलो मेरे साथ एक और नया पोकेमॉन एडवेंचर खेलने। लेट्स गो। गाइस यार एक और नया सुहाना सा दिन हमारे पैल वर्ल्ड में यार, एंड पिछले एपिसोड में आप लोगों को याद होगा मैंने यार ये बड़ा सा सुंदर सा घर बनाया था, यू नो यार आज आप सभी के लिए मैं लेके आया हूँ डबल धमाका जिसमें आप जीत सकते हो एक ब्रांड न्यू आईफोन भाई सिर्फ और सिर्फ 1 रुपए में यार, और साथ ही में एक ऐसा ऑफर जिसमें आप हार ही नहीं सकती भाई, और जीते तो आपको मिलेंगे बहुत सारे बड़े प्राइजेस, आपको मिलेंगे एक नहीं दो नहीं पूरे 20 टीम तक का 100% रिफंड, क्योंकि हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। बस वीडियो देखते रहो यार, और साथ ही मेरा बेस भी भाई, वैसे ये घर कंप्लीट नहीं हुआ है अभी भाई, मैं इसको क्यों बनाया, इसको तोड़ो यार, और इधर सीढ़ियां क्यों है भाई, इसको भी तोड़ो। एनीवेज ये जगह मैंने फार्मिंग करने के लिए बनाया था, आई मीन अंडे वगैरह रखने के लिए। बट एनीवेज यार पिछले एपिसोड में आप लोगों को याद होगा मैंने यार बेलेनोस को हराया था द लेजेंडरी पोकेमॉन को, एंड उसके बदले में मुझे यहाँ पे दो बड़े अंडे मिले थे, एंड एक्चुअल में 3 मेरे पास अंडे बड़े हो गए जो कि यार तीनों में से लेजेंडरी पोकेमॉन निकलने वाला है, तीनों इंक्यूबेट हो गए वैसे यार, और ये मैंने नए बेस पे रखा है ओके। एंड जिन लोगों ने पुराना एपिसोड नहीं देखा है ना भाई, मैं उन लोगों को अपना पुराना बेस दिखाता हूँ एक बार। पिछले एपिसोड में मैंने यहीं पे समन किया था बेलेनोस को, वो इतनी ज्यादा ताकतवर थी ना भाई, अगर आप मेरी सारी एपिसोड्स देखते आ रहे हो ना तो आप लोगों को पता होगा मेरा यहाँ पे घर हुआ करता था, पैलेस यहाँ रहते थे, इधर हम लोग सामान वामान बनाते थे, अंडे इंक्यूबेट करते थे, लेकिन बेलेनोस ने सारी चीजें तोड़ दी भाई, आप लोग गैस कर सकते हो वो कितनी ज्यादा ताकतवर रही होगी भाई, की ऐसा हालत कर दिया उसने मेरे बेस का। बड़ा एनीवेज यार हम लोग अपने बेस को नए जगह शिफ्ट कर चुके हैं, एंड बिलीव मी यार ये बहुत ही ज्यादा सुंदर है भाई, ये लोकेशन तो देखो यार पूरे फूल पौधे उगे हुए हैं, मैंने यहाँ पे यार ये भी बना रखा है फार्मिंग करने के लिए, और साथ ही साथ इधर भाई पूरे बेरीज चेरीज सब उगा रखे हैं यार, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, आओ बढ़िया बेरीज तोड़ो, और इधर यहाँ पे वीट भी उग रहे हैं ये देखो, आई मीन गेहूं होता है ना वो, ओ रेड भाई मेरे पे कौन रेड कर रहा है, आओ जरा देख के आते हैं। और पता है कमाल की बात, यहाँ पे अपने पास कोई रेड ही नहीं कर सकता भाई, क्योंकि भाई भाई तीन तीन हाथी भाई, आज गेम में क्या हो गया, इतने हाथी इतने रेप्टाइल कैसे घूम रहे हैं भाई, कुछ ग्लिच वगैरह आया क्या ये, अबे तेरी भाई 39 लेवल का रेप्टाइरो वो भी जंगलों के बीच में, ओ बे भाई अपने ऊपर अटैक करने रेप्टाइरो की आर्मी आई थी भाई, गाइस सीरियसली यार मैंने सुजाकू का अटैक देखा है, सबका अटैक देखा है, लेकिन रेप्टाइरो लोगों का अटैक पहली बार देख रहा हूँ, क्या दोस्त नहीं आ पाएगा क्या तुम लोग अटैक करने, यार यहाँ पे नदी है ना एक्चुअली, इसे ले लोग कहाँ से आ पाएंगे, डैम ब्रो पूरी सेना आई थी भाई, लेकिन वो पहाड़ के चलते मैं बच गया यार, अपना बेस ही इतना सुंदर जगह पे है भाई। बट एनीवेज यार यहाँ पे एक लिफ्ट मंक है, इसको लेते हैं, आ जाओ लेट्स गो। ओ भाई एक और, अच्छा ये बॉस है ना, हाँ ये डेंजर वाला रेप्टाइल है, इसको पकड़ेगा यार, 39 लेवल बहुत होता है भाई, मेरे पास शायद ही 39 लेवल का है, चल मार भाई फ्लैरिस, फ्लैरिस तू मत आ, शैडो बिग तू जा अटैक, ये अटैक बहुत ताकतवर है, खत्म भाई, बॉल रेडी रखता हूँ मैं, चलो पहला अटैक, भाई कुछ नहीं हुआ भाई, ये किस चक्की काटा खाता है मेरा बॉल घूम रहा है ओके? भाई इसको तो डार्क अटैक भी नहीं हो रहे, ओ मेरे बेस तरफ जा रहा है ये तो, भाई लोग घूम के मेरे बेस तरफ जा रहे हैं क्या, हेलो अबे कौवे अटैक करना। बट एनीवेज यार जा तू बेस तरफ ही जा भाई, क्या ही कर लेगा बेस तरफ जा करके यार, मैं तो इसको बॉल फेंक के पकड़ ही लूंगा, आ जा। ओ भाई ये क्या है यार, आज के एपिसोड में मैंने यार थोड़ी सी गेम सेटिंग की है। बट एनीवेज टैरो आ गया, एंड यार मैंने ना थोड़े से सेटिंग्स वगैरह चेंज किए जिसकी वजह से भाई इतने सारे पोकेमॉन्स दिख रहे हैं, यहाँ पे डियर हाउल का पूरा गैंग घूम रहा था, साले कौवे सबको मार दिया भाई, देख रहे हो यार कितना भाई, इतना ज्यादा पावरफुल होना भी पाप है भाई कसम से, साले मार मत भाई किसी को यार, क्या मतलब यार सबको मार दिया, पूरा झुंड को मार दिया यार, बड़ू केस भाई देखो थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा, तीन तीन हाथियां घूम रहे इधर यार, मुझे कमेंट में बताओ इतने जो ये जो मैंने बढ़ाया है जिससे यार पोकेमॉन की डेंसिटी बढ़ गई है, आई मीन बहुत सारे ज्यादा पोकेमॉन्स दिख रहे हैं, क्या बोलते हो इसको
इसको मैं कम कर दूं कि रहने दूं। बट एनीवेज यार यहाँ पे 5 हाथियों का झुंड देख के मेरे को डर लग रहा है भाई। क्या होगा गाइस 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 क्या होगा अगर मैं ब्लैज आउल को निकालूं एंड इन लोगों के ऊपर अटैक करूं भाई? 5 हाथी मिलके क्या एक ब्लैज आउल को मार सकते हैं? क्या लगता है गाइस आप लोगों को? खैर अभी टाइम पास नहीं करते, टाइम पास बाद में करेंगे। फिलहाल यार अंडे इंक्यूबेट करते हैं एंड देखते हैं हमारे अंडों से किस लेवल के पोकेमॉन्स निकले हैं यार। चलो भाई ओके, अंडे खोलने से पहले आप लोग प्लीज कमेंट में गेस करो कि क्या हो सकता है। पहला लार्ज एग है और यहाँ से निकला है टॉम बैट जो कि मामूली सा पोकेमॉन है, बट एनीवेज ह्यूज एग से निकला है। ओके भाई बेलेनार यहाँ पे निकल चुका है ब्रो, इसी को यही बंदी को तो हराए थे पिछले एपिसोड में। वेट में दिखाता हूँ, एक और अंडा भी खोलना बचा है, बट वेट मैं बेलेनार दिखाता हूँ, इसी को भाई लिटरली इसी को हराए थे। बट अभी हम लोगों को जो मिला है वो बची है, लेकिन आज हम लोग उसको बड़ा भी करेंगे यार। ये रही भाई, ये जंगलों में नहीं मिलती ना, अब भाई कितना भी पहाड़ वगैरह में खोज लो बेलेनार आपको जंगल में नहीं मिलेगी, इतनी ज्यादा ताकतवर है। बट ये किस टाइप की पोकेमॉन है जरा देखे तो यार, ये है कंप्लीट डार्क टाइप पोकेमॉन, और हाँ कंप्लीट डार्क टाइप पोकेमॉन है, मेडिसिन अच्छा बनाती है। ओके वो ट्रांसपोर्ट कर रही है भाई, फल ले जा रही है बिचारी यार, लेकिन ये बहुत छोटी है, ये इतनी छोटी है ठीक है। पिछले एपिसोड में देखोगे ना ये जॉर्मोटाइड घूम रहा है ना, इससे बड़ी थी भाई वो, इससे ज्यादा बड़ी थी, आप जाके देखना अगर आपने नहीं देखा यार। बट एनीवेज भाई ये इतना उदास क्यों है भाई, क्या दिक्कत है यार? अच्छा यार भाई मैंने इन बिचारों के लिए यहाँ पे बेड ही नहीं बनाया है यार, इन लोग बस चल सकते हैं कहीं पे सो नहीं सकते, बट आज बेड वगैरह बनाइए। बाकी आखिरी अंडे से निकला है जॉर्मोटाइड गाइस, लेट्स गो, लकीएस्ट डे एवर। भाई क्या हो रहा है यार, आज दिन की शुरुआत ही इतनी अच्छी हो रही है भाई, पता नहीं क्या क्या होगा। बट एनीवेज यार इग्नाइस मिला है, ओके ग्रेट, बट स्टिल यार मैंने इन बिचारों के लिए भाई रहने के लिए कोई जगह ही नहीं बनाई है भाई, इन लोगों के लिए बेड्स बनाते हैं। और ये एरिया में बेड बना दूंगा, कहां पे बनाऊं यार बेड भाई? डियर डाय अबे भाई मेरे को भाई मेरे एरिया पे आके तू मेरे को ही मार रहा है, मेरे एरिया पे आके, ओ भाई अटैक भी कर रहा है। ले भाई एक शॉट का नहीं है तू, चल एक काम कर बॉल में कहा जाएगा भाई, हाथी आ गया था मारने, सब आ गए थे, बट एनीवेज आ जाएगा बॉल के अंदर वो। चलो भाई क्या 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 हो रहा है भाई तेरे को? पोकेमॉन्स के रहने के लिए मैं यहाँ पे एक सुंदर सा जगह बनाता हूँ यार, जहाँ पे इन लोग रह सके, बिकॉज अभी कोई जगह नहीं है जहाँ इन लोग रह सके यार। यार किधर बनाऊं मैं थोड़ा सा डाउट में हूँ, क्योंकि यार बहुत जगह मैंने घेर के रखा है। ये एरिया में हम लोग बना देगा, थोड़ा हाइट पे बनाएंगे, इन लोग यार जमीन पे होते अच्छा नहीं लगेगा, थोड़े से हाइट पे बनाते हैं पोकेमॉन्स के रहने के लिए जगह। ये लो भाई थोड़ा सा और बड़ा कर, लेट्स गो इफ पॉसिबल तो पीछे तक ले चल, पूरा एरिया कवर कर। ओके और लकड़ी की सीढ़ियां बनाने के लिए पहले लकड़ी का दीवार बनाओ, फिर कूदो और ऐसे करके ये लगाओ ये ग्लिच है यार भाई, यहाँ पे क्यों नहीं लग रहा? वाह भाई इधर क्यों नहीं लग रहा है, क्या दिक्कत है भाई? इधर नहीं लगाऊंगा, छोड़ो फिर, लगना चाहिए यार, इतना देर से कूद रहा हूँ भाई लगाने के लिए, एरिया ही छोड़ो भाई, इधर नहीं बनाना। बाकी आ जाओ यार इन लोगों के लिए बेड्स बनाते हैं। ओके एक यहाँ एटलीस्ट 4 बेड, आई मीन 10 बेड तो लगेंगे ही लगेंगे, बट यार मेरे पास लेदर नहीं है। और पता है आज हम लोग ब्लैज मौत को भी मारने जाएंगे, ब्लैज मौत जो भी नाम है। बाकी इधर के सारे पोकेमॉन्स भूखा से मर रहे गाइस, बेचारे लोगों के लिए खाने के लिए कुछ भी नहीं है यार, हेलो भाई आके खाओ यार, कब से भूखे थे, सबका हेल्थ देखो ब्रो, हंग्री। यहाँ पे 13,000 खाना है भाई। चलो भाई ये लो और बेडीज ले लो, तुम लोग खाते रहो यार, ये भी इसको मैंने अभी भी बचा के रखा है भाई, क्या पता कब काम आ जाए। यहाँ पे इतने सारे अंडे हैं ना, इतने सारे भाई 50-60 अंडे होंगे देखो, भी लार्ज बड़े बड़े अंडे यार, छोटे मोटे भी नहीं। बट यार इस एरिया में मैं फिर से बेस बनाऊंगा यार, ये एरिया बेस्ट था भाई, बेस्ट, यहाँ पे बहुत यादें जुड़ी पड़ी है। ये बेस को छोड़ना इस काइंड ऑफ थोड़ा सा दिल में लग रहा है मुझे, बट कुछ पाने के लिए कुछ खोना ही पड़ता है यू नो भाई। मैं लेदर लेके आया हूँ यार, मेरे को फाइबर लेके आना है भाई, रुको पहले पोकेमॉन यहाँ बेस में अच्छे से डालते हैं ताकि काम अच्छे से होगा, कुछ भी डाल के रखा हूं यार। और छोटे छोटे पोकेमॉन, ज्यादा बड़े बड़े नहीं, ऐसे पोकेमॉन जो सारे काम कर सके, वाटर टाइप भी हो फायर टाइप भी हो। देखो एलसी भी है ना भाई, सबसे बेस्ट, खाना ही बनाएगी, काम भी करेगी, पत्थर भी तोड़ेगी, सब करेगी। और गाय वगैरह भी रखना जरूरी है, कम ऑन यार दूध भी तो लेना है ना, और शिप वगैरह हुल वगैरह भी लेना है। और मुर्गियां भाई, मुर्गियां कहां है? एक ही मुर्गी है वो भी चमकने वाली भाई, सिंपल मुर्गी नहीं है क्या भाई? अंडा और कौन देता है मुर्गी के अलावा? यहाँ पे तो भाई मुर्गी बस अंडा देती है। एनीवेज मैंने 2 मुर्गियों को डाला है, और चलो भाई अब काम चालू है, इन लोग यहाँ पे फाइबर वगैरह देना भी चालू करेंगे, लेकिन फाइबर पेड़ से मिलता है यू नो, यहाँ पे फाइबर कहाँ मिलेगा? आई गेस मुझे फाइबर खरीदने जाना चाहिए यार, स्मॉल सेटलमेंट, यही तो है मार्केट भाई। आजा ब्लेज आउट, आई मीन हाँ ब्लेज आउट बिठा भाई, कहाँ तक तू गार्डन में घूम रहा है, गोदी लो मेरे को, परफेक्ट यार। आज ये सब टाइम पास करने के बाद भाई मुझे यार बेलेनार को टेस्ट करने भी जाना है, कितनी पावरफुल है वो भी देखना है मुझे। बट एनीवेज इसके पास भी फाइबर नहीं है भाई, फाइबर कहाँ मिलेगा? एक जगह है जहाँ फाइबर मिल सकता है मुझे, वेलकम टू द वर्ल्ड एंड ब्रोक यार, यहाँ पे होगा फाइबर। ओबे तेरी भाई कितना फाइबर है देख रहे हो, 1,500 फाइबर है भाई, 1,500 फाइबर भाई, मोहल्ला बन जाएगा पूरा। चलो फटाफट ठोक के बनाओ, छुको छुको छुको, ओके परफेक्ट। चलो बाकी इन लोगों के लिए मैं शेड बनाता हूँ, एक
ओके लेट्स गो, कितने बेड हो गए भाई? लोग खुश तो हो रहे हैं लेकिन भाई 18 बेड बनाने, 18। अबे हटो यार, तुम लोग जगह घेर के रखे है भाई। ओ बाय द वे मुझे भूख भी लग रही है यार, हटो ना यार तुम लोग भाई, और बेड लगाने दो यार मुझे। लो भाई तुम ही लोग यहाँ पे घुस जाओ, सब घुस जाओ, चढ़ जाओ, कमा लो भाई। ओके यार अभी लोग यार यहाँ पे अंडे वगैरह जमा करना भी चालू हो गया ब्रो, लेट्स गो। बट यार बेरीज बहुत धीरे धीरे बन रही है, क्या बात है यार। अच्छा बन रही है, बन रही है, वाटरिंग वगैरह चल रहा है। तू इतना उदास क्यों है भाई? इधर इधर इधर, अले मेरा मुशांदा जरा खुश हो गया भाई बेचारा यार, इतना उदास क्यों है भाई? वो खुश रहो यार, कोई जबरदस्ती काम थोड़ी करा रहा है। चलो भाई टोटल मैंने यहाँ पे 20 बेड बना दिए और बहुत सारे पॉकीमॉन्स भी अपग्रेड हो गए, बाकी आ जाओ यार अब चलते हैं हम लोग अपने सफर पे। मुझे आज यार बड़ा करना है 2-3 पॉकीमॉन को, ओके किट्सुन को, देखो जो ताकतवर है, देखो आज मैं उसी को लेके जाऊंगा और प्लाज्मोथ भी पकड़ना है मुझे, तो ताकतवर ओनली, ठीक है। शैडो बिक जाएगा, किट्सुन जाएगा, किट्सुन बहुत ताकतवर है यार, बस एक ही दिक्कत है कि भाई कम लेवल का है। अब बेलेनोयर तो ऑलरेडी 17 लेवल की हो गई भाई, फ्लैरिस जाएगा, ब्लैजॉल भी बहुत ताकतवर है लेकिन इसको लेके नहीं जाऊंगा, तो ऑलरेडी है। आनुबिस को लेके चलते हैं, आनुबिस छोड़ो, फेंगलो लेके चलते हैं। ओके 4 ताकतवर पॉकीमॉन्स हैं और कुछ इलेक्ट्रिक भी रख लूं क्या भाई? ये फॉक्सी सिलिक है मेरे पास, नहीं ले चलते हैं फॉक्सी सिलिक को भी। चलो तो देखो बेलेनोयर्स को अगर मुझे बड़ा करना है ना, बेलेनोयर मैं सही पढ़ रहा हूं ना, अगर मुझे उसको बड़ा, ये भाई इन लोग के लिए भी बेड वेड नहीं है यार, इन लोग के लिए बनाया था, रुको। वैसे ये बेस को मैं फिर से रिकंस्ट्रक्ट करूंगा यार, फटाफट बनाते हैं, रन 76 ऐसी कट 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 कट, 15 पॉकीमॉन भाई यहां पे क्या कर रहे हैं भाई बेचारे लोग, लेकिन जमीन में सोएंगे यार। इनफ, चलो भाई तुम लोग अब बनाओ, बाकी मेरा इन्वेंटरी तुम लोग भर दियो यार, हड्डी लकड़ी पत्थर से यार। ओके बेलेनोयर्स को बड़ा करने के लिए सबसे पहले बेलेनोयर्स को मुझे भिड़ाना पड़ेगा यहाँ के हाथी से भाई, और मैं दुआ कर रहा हूँ कि भाई 3-3 हाथी ना हो भाई यहाँ पे, क्योंकि हर जगह देखो ना कितने सारे फॉक्स पार्क घूम रहे हैं भाई, कितने 4-5 फॉक्स पार्क। अबे तेरी भाई भाई 3 हाथी ब्रो, गाइस आज क्या हो रहा है, मैं हरा दूंगा बेचारी बच्ची। चल बेलेनोयर 3 हाथी को मारना है तुझे, चल अटैक अटैक। अबे मुर्गियों को नहीं मारना है, उसको मार, आई डोंट थिंक सो। अबे भाई यार ये तो पूरा वो हो रहा है भाई, ओवर अटैक हो रहा है, बट आई डोंट थिंक सो हाथियां कुछ मिल के उसका बिगाड़ सकते हैं। 3 हाथी हैं यार इसलिए थोड़ा। अबे भाई यार मैं इसको ठीक कर क्या हो गया, क्योंकि 3 हाथी बहुत ज्यादा होते हैं भाई, बहुत, एक को मारने में फट जाती है भाई। अबे भाई कहां, ओ भाई ये तीनों को एक पॉकीमॉन मेरा आराम से रख सकता है, वो है शैडो बिक यार। नहीं 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 हरा पाएगी, किट्सुन नहीं, शैडो बिक तू जा। शैडो बिक का अटैक देखो भाई, शैडो बिक का अटैक दिख रहा है ना आप लोगों को, ये देखो आग लगा दिया, डार्क टाइप पॉकीमॉन है फिर भी आग लग जाती है भाई सामने वाले में, ये अटैक दिख रहा, बूम। अब वो दौड़ने वाला थे, हाँ ये वाला परफेक्ट अटैक है, खत्म भाई, एक हाथी तो मरी गया लगभग भाई। ये बीजा वाला अटैक मत किया कर यार, गुस्सा आ जाता है। चल चल शैडो बिक, पोज वोज नहीं मार, अबे भाई पीछे मार रहा है, ओके एक एक करके मारेगा क्या? नहीं लेकिन कोई मतलब नहीं है, भिड़ कर गया यार, मैं इसको चेंज करके आ रहा हूँ भाई, एक बार में 3 हाथी ब्रो। बट गाइस चैलेंज वगैरह देना है तो मुझे दे सकते हो कमेंट सेक्शन में, क्योंकि गेम में जितने भी पॉकीमॉन्स हैं सब 3 हो गए होंगे। और यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, ये कौन कौन है? अच्छा वैन वाम सो रहा है, कि ग्लिच हो रहा है भाई ये? हेलो ए भाई क्या हो गया, ज्यादा अत्याचार हो रहा है क्या इधर? ओके गाइस मैंने सेटिंग चेंज किया है, अब एक ही हाथी घूम रहा है भाई, लिटरली 3-3 हाथी घूम रहे थे यार। बट स्टिल मैंने यार अभी भी पॉकीमॉन्स का आबादी कम नहीं किया, अभी भी बहुत सारे ज्यादा पॉकीमॉन्स आपको दिखेंगे, पहले से ज्यादा, पहले अगर एक दिखता था तो अब आपको 3 दिखेंगे ऐसा। ओके गाइस किट्सुन बेलेनोयर सबको बड़ा करने के लिए सबसे बेस्ट जगह है ये अपना ग्रिजल बॉय टावर। क्या बेलेनोयर आंटी भाई यार लड़की जैसी है यार। अभी भाई ओ ये उल्टा होके क्यों अटैक करती है भाई, ये देखो उल्टा हो जाती है ब्रो। नहीं नहीं अभी अटैक मत कर, अभी अटैक मत कर मेरे पास आ यार, अभी ये अंडे से निकली है ना, मेन यही दिक्कत है भाई, अंडे से निकलने वाले पॉकीमॉन थोड़े वो होते हैं, शांत टाइप के होते हैं, उनको भड़कीला बनाना पड़ता है यार। बट स्टिल वेलकम टू द रायन सिंडिकेट टावर्स, एंड आ जाओ यार अंदर चलते हैं एंड करते हैं कुछ कमाल धमाल, लेट्स गो यार। यहाँ पे वो रहती है ना वो बंदी, क्या नाम है उसका, नाम भूल गया मैं, क्या नाम था यार, बड़ी सुंदर दिख रही है, ग्रिजल वॉल्ट, ग्रिस वॉल्ट वाली। ओ भाई करता हूँ क्या, ओके क्या सेम वही भाई, ऊपर चढ़ के बैठ जाएगी यार। यार इसमें एक ग्लिच था पता है, हम लोग इसको पकड़ सकते थे, इसके ऊपर हम लोग इसको पकड़ सकते थे और ये भी साथ में मिल जाती है बंदी भी, बट वो ग्लिच ठीक हो गया, जॉय ग्रिजल बॉट नाम है इसका। बट एनीवेज आ जा फॉक्स, फॉक्स साइकिल अटैक कर भाई, ए भाई ए मेरे ऊपर अटैक कर रहा है वो, बच गया, आई एम सेफ ब्रो। ओके कुल्फी बना दिया यार, फॉक्स से लिख भी ताकतवर है यार। ओके
भाई साइटिक टाइप पोकेमोन अलग ही होते हैं भाई। शैडो बिग को बुलाऊंगा, 2 सेकंड में मारेगा, लिटरली शैडो बिग 2 सेकंड में इसकी सिट्टी पिट्टी कुल कर देगा। अगर ये थोड़ा स्लो है, किट्सुन तू जा। किट्सुन भी काइंड ऑफ डार्क टाइप पोकेमोन और फायर टाइप पोकेमोन है, भले दिखा नीला रंग का है भाई, इसके ऊपर अपन बैठ भी सकते हैं पता है, और फायर बॉल भी फेंक सकते हैं। बूम, सीधा सर पे यार। किधर है, आग लग गया क्या? ये ले भाई, ये अटैक भी ले, डार्क अटैक। क्या मारेगा आज? आज 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 कूद कूद, कितना कूदेगा भाई तू? उबे भाई मारा यार, क्या दोस्त, क्या दोस्त। नहीं भाई मेरे पीछे नहीं यार। अरे अरे मैं गलत टाइम पे गलत अटैक कर दिया, कोई बात नहीं। स्प्लिट फ्लेयर, लेट्स गो, डार्क अटैक। किधर तक आएगा, कितना मारेगा? इलेक्ट्रिक अटैक, घंटा कुछ नहीं होने वाला। कूदा ब्रो, ये ले भाई भाई भाई, चल चल किट्सुन, बहुत हो गया तेरा भी। बैलेनर तू जा ब्रो। बैलेनर का अटैक कितना ताकतवर है यार, मेरे को इसको थोड़ा ताकतवर बनाना है ताकि आज हम लोग यार ब्लास्ट मत को पकड़ सके यार। चल 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 भाई भाई, ओके अच्छी अटैक कर रही है, कोई दिक्कत नहीं, बट यार इसको और ज्यादा ताकतवर होना ही पड़ेगा। ओके बिचारी गई, गई नहीं, मैं बच गया। ये कुछ इसका अटैक है ऑफ नाइट फ्लेयर, ओके नाइट फ्लेयर का कुछ हुआ, नाइट फ्लेयर, आई डोंट नो ये नाइट फ्लेयर क्या है, शायद रात में हम लोगों को दिखने लग जाए यार ऐसा कुछ। बाकी यार पकड़े ग्रिजल बॉल्ड को जोई के साथ, जोई दिखी बड़ी प्यारी है भाई। लेकिन आप एक चीज नोटिस करना, ग्रिजल बॉल्ड इसको इतना इलेक्ट्रिक अटैक दे रहा है, घंटा कुछ नहीं हो रहा बैलेनर्स को यार, कुछ भी नहीं हो रहा। और बैलेनर्स अटैक कर रही है तो भाई उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो रही है, वो देखो उल्टा होके मारती है भाई, क्या क्या दिक्कत क्या है। ओए बहुत हो गया, इधर वापस आ, अब इसका गेम खत्म करते हैं। किट्सुन, किट्सुन नहीं, किट्सुन नहीं हुआ, अपना गॉड पोकेमॉन शैडो बिग। अबे भाई मेरे को मारे जा रहा है शैडो बिग, चल खत्म ब्रो। शैडो बिग का एक अटैक, मात्र एक अटैक, उसका एचपी देखो कहां ले गया, 200 का डैमेज दे रहा है ब्रो। एक और दे दो भाई, खत्म खत्म। लेकिन इसको खत्म इसके हाथों नहीं कराऊंगा यार, बैलेनर के हाथों मरवाऊंगा, बैलेनर को ज्यादा पॉइंट मिलेगा। चल बैलेनर तेरे इतना कुछ कर रहा हूं भाई, जल्दी मार। ओके मर गया वो, मर गया। थोड़ा एक अटैक और, लेट्स गो। पहला बॉस यहाँ पे बैलेनर ने मार दिखाया भाई, लेट्स गो। ग्रिजल बॉल्ड की मौत हो चुकी है, एंड इधर आ भाई, इधर आ, बैलेनर इधर आओ यार, आप पपी दो भाई, पपी भी लेने नहीं दिया यार, कमाल कर रहे हो यार। बट एनीवेज यार, वेलकम टू द राइन सिंडिकेट। एंड भाई भाई एक ही हम लोगों के मैच में इसका लेवल 28 हो चुका है, मैं 18 में लेके आया था, 10 लेवल अप हुई है, 10 लेवल ब्रो। आई गेस अब ये रेडी है कह सकते हो ब्लास्मत के पास जाने के लिए। आज भाई मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आज ब्लास्मत पकड़ेंगे ही पकड़ेंगे, ठीक है 100% शर्त लगा लो, ब्लास्मत अगर नहीं पकड़ा ना भाई तो आप लोग जो करना है कर लेना, ठीक है। बट एनीवेज यहाँ पे सिंडिकेट घूम रही, क्या सिंडिकेट कुछ दिक्कत है? लो भाई आंटी जी से लड़की दिखाओ यार, ये हम लोग जैसे इंसानों की तरह दिखी है ना। ओके खत्म, एक ही अटैक में, ओके परफेक्ट है, और थोड़ा सा बाकी। इधर बेचारे का मुंह उतरा हुआ है यार, आंख कैसे हो रखे हैं। बट एनीवेज आ जा भाई, तू चल मेरे साथ बेस, चल मेरे साथ रहियो बढ़िया मस्त। बाकी उधर सब मर गया, एक ही बचा है भाई, ये भी हेडशॉट खत्म हो गया। चल चल बैलेनर, फ्लैरिस तू आ, चल भाई। ऑलराइट गाइस, यार हम लोग बैंकिंग के आइलैंड में आ चुके। ओ इधर डंजन है यार, ये वाले डंजन हम लोग नहीं गए, चले गया। अच्छा लगा तो रहा है डंजन, पेड़ वेड़ गुफा उफा अलग ही टाइप का है। आ जाओ यहाँ पे, हिल्स कर्वेन करके पोकेमॉन है जो बहुत ताकतवर है, लेट्स सी कितना ताकतवर है। ए भाई ए, आते साथी मेरे को मार रहे हो तुम लोग है। लो आंटी जी से लड़ो पहले, बैलेनर से लड़ो यार तुम लोग। भाई 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 चलो, वो लड़ रही है तब तक अपन एक्सप्लोर करते हैं। बस नीले नीले वो है और कुछ भी नहीं है यहाँ, बाकी भाई अकेले पेले जा रही है। ये लोग मेरे पीछे आ रहे हैं भाई, मेरे पीछे मत आओ, एक एक तीर में भाई देख रहे हो, एक तीर में बिचारों की सिट्टी पिट्टी गुल्लो जा रही है। तू बस जिंदा है भाई, ले तू भी खत्म, चल आ जा बैलेनर। अबे तेरी इधर भी सिंडिकेट्स है यार, चल बैलेनर तू पंगा ले, मैं जा रहा। लेकिन यार यहाँ पे कौन सा पोकेमोन अच्छा है, यहाँ पे एक भी मुझे पोकेमोन ही नहीं दिखा है यार। पहले मैं यार तो मेरे से आगे आगे चल रही है, चल चल आ जा बॉल में। लेवल की हो गई 30 हो गई होगी, 28 है अभी भी। यहाँ के बॉस को हराने के बाद 30 लेवल की हो जाएगी, देन हम लोग जाएंगे पकड़ने ब्लास्मत को। बाकी इधर ये सारे सिंडिकेट्स क्यों है भाई, देख रहे हो सिंडिकेट्स का झुंड है पूरा, बट हू केयर्स। लो भाई एक झटके में मारना है ना, चल भाई तू कमाल दिखा दे अपना, मार शैडो भी क्या कर रहा है, वो दौड़ने वाला अटैक देगा ना एक बार में, भाई मेरे को आके मार रहे हैं यार। बट एनीवेज हम लोग आ गए, आ जा तू, चल चल किट्सुन बैठ के चलते हैं और यहाँ के बॉस से निपटते हैं। देखते हैं यहाँ पे कौन है बॉस भाई, ये गेंडा यहाँ का बॉस है रशोर। ओए गेंडे ऐसे दौड़ते हैं, देख मैं दिखाता हूँ, ऐसा दौड़ के ऐसा टक्कर मारते हैं भाई। बस एक एचपी है बिचारे का यार, लिटरली एक एचपी भाई, आई मीन 1000 एचपी का वो पोकेमॉन है ब्रो। मैं चाहूँ तो ना लिटरली एक शैडो बिग का एक अटैक, लिटरली एक अटैक में वो मर जाएगा। शैडो बिग एक बार में 2000 अटैक देता है। लो भाई लो, मैं भी ठोक के दिखाता हूँ तुम लोगों को। किट्सुन तू अंदर आ, बैलेनर तू जा, चल 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 मार, मैं ये छोटे मोटे गेंडों को मार देता हूँ, बेचारे एक ही तीर में लवलेट हो जा रहे हैं यार। और हाँ भाई हम लोगों को वो भी मिल जाएगा यार, बैलेनर का पत्थर अगर मिल जाता है तो बढ़िया है, वैसे भी 3 मेरे पास पड़े हुए हैं ऑलरेडी। कहाँ गया गेंडा, नीचे गिर गया क्या, किधर है ओए?
एक गेंडा बचा है बेचारा। क्या दोस्त? ओके बेलेनोर मारने वाली है, जल्दी जल्दी एक अटैक और लेट्स गो। गेंडा का मैं पकड़ लेता हूँ। अबे पकड़ लेते हैं यार, मारने से अच्छा पकड़ लेते हैं। आ जाएगा, किधर जाएगा गेंद जी? तू भी आ जा भाई, आ जा, लेट्स गो। तुम लोग का राजा तो पकड़ लिया मैं, आगा तेरे को भी पकड़ लेता हूं। बड़ा नहीं, वैसे थोड़े चिकन विकन भी खा लेते हैं यार भाई। लेकिन दिक्कत क्या है पता है, मैं खाने का कुछ भी सामान लेके नहीं घूम रहा हूँ ब्रो, भूखे प्यासे मरूंगा। बड़ा नहीं, वैसे बेलेनोर 30 लेवल की हो चुकी है और उसने नाइटमेयर अटैक सीख लिया है ब्रो। अपने को यहाँ पे एक और बेलेनोर का पत्थर मिल जाएगा। नहीं मिला है, मत खराब है। और क्या क्या है, ये सब सामान कर देते हैं। रूबी है, ये क्या है भाई? ये कुछ सेंट जैसा है। और क्या है ये? मेमोरी वाइपिंग मेडिसिन। अबे भाई गाइस, इसको मैंने यूज किया, मेरा स्टैमिना हेल्थ सब वो हो गया, हट गया। मतलब अब मैं फिर से चेंज कर सकता हूँ। अपन ने को वेट रखना है 800, मतलब मैं 800 सामान उठा सकता हूँ, 850, और हेल्थ बढ़ाओ। स्टैमिना की तो घंटा जरूरत नहीं है भाई, हेल्थ में अब लिटरली 5-6 हजार कर सकता हूँ यार। हेल्थ थोड़ा ज्यादा रखते हैं, 3 हजार तक ले जाते, क्या ज्यादा हो जाएगा? ओके अटैक तो अपन घंटा नहीं करते हैं, नहीं अटैक भी लेकिन रख लेता हूँ, मेरे को इसको 2500 रखा है। अटैक को थोड़ा सा रखा है, अटैक को रखूंगा 5 और 5 अपन स्टैमिना को दे देते हैं। लेट्स गो यार, ये सही चीज था भाई। बट एनीवेज बेलेनोर का पत्थर नहीं मिला यार, यहाँ भी नहीं है। नहीं मिला, बेलेनोर का पत्थर मिला, ये देखो एक पत्थर हो गया। ओके ओके गाइस, अपन बेलेनोर को आज बुला सकते हैं भाई। यार यहाँ पे सामान वगैरह है लेकिन मैं उठा नहीं पा रहा हूँ यार, बैग भर गया पूरा। अबे भाई गेंडे साले, ये ले भाई एक शॉट का है, तू चल मेरे साथ, तेरे को मजदूरी कराऊंगा भाई, चल नहीं तू मर। बेलेनोर का पत्थर भाई, मेरे पास टोटल है पत्थर, मेरे ख्याल से 6 पत्थर है। वेलकम टू द विंडस्वेप्ट हिल्स यार, अपन कहाँ से निकले? अच्छा वहीं से निकले भाई, क्या गजब जगह है यार, इधर नदी मस्त बह रही है नी। ओ अंडा भाई, कितना बड़ा अंडा है, आई गेस लार्ज है यार, लार्ज है शायद से। भाई मेरा बैग में क्यों इतने सारे सामान है यार, खाली करो भाई, पैलेडियम फेंको पूरे, पत्थर भी फेंको, और क्या रूबी वूबी बेचने के आइटम में रखे रहता हूँ। चलो अंडे वगैरह उठा लिए, गोलियां वगैरह फेंको, लेदर बोन कहाँ आते हैं? बोन भी अपन खरीद सके वैसे। चलो भाई यहाँ पे कैटीवा लोग नहा रहे हैं भाई, क्या मस्त जगह है गाइस ये यार, बहुत सुंदर है यार। वो देखो भाई बैंकिंग का घर है यहाँ पे, बैंकिंग से भी अपन पंगा ले सकते हैं। भाई तू किसको मार रहा है, तू अटैक मत कर यार, चलो चलो बेस चलो, रात होने वाली है एंड वी नीड अ गुड स्लीप भाई, क्योंकि कल बहुत सारे काम करते हैं। मुझे यहाँ पे अंडे के लिए वो रखना है, बॉक्स रखना है यार, और बॉक्स भी। अरे यार मेन पता है मैंने ना क्या नहीं किया है, ये बेस में मैंने कुछ भी नहीं बनाया, लिटरली कुछ नहीं बनाया, ना आयरन मेल्ट करने के लिए कुछ भी नहीं। रुको आनुबिश को बुलाते हैं, सबसे ताकतवर अभी मेरे बेस में आनुबिश ही है भाई। चलो ऊपर आते हैं और यहाँ पे ओके ये चीजें तो बन गई है। इंगड़ बनाना है, इंगड़ बनाने के लिए भट्टी लगेगी भाई, भट्टी का काम इधर तरफ करेंगे। ओके चलो 3 ये वाली भट्टी, चल अनुबिश फटाफट भट्टी बना, चल चल फटाफट एक नंबर। और अपन इंगड़ बनाते हैं, चल पत्थर वत्थर कितने जमा हो गए? अबे 3000 पत्थर 2000 पत्थर और 350 लकड़ियां बस, और ये लोग बहुत धीरे जमा कर रहे हैं। और रुको और के लिए मैं खोल सकता हूँ, एक सेकंड, और का एक और है, और माइनिंग स्ट्रक्चर 2, इसको बना के देखते हैं। ओके भाई इसके लिए 50 इंगट लगेंगे, हो जाएगा क्या? नहीं, ऊपर जाके देखना पड़ेगा। ये जो बन रहे हैं सबको कैंसिल करो यार भाई, रेड फिर अच्छा उधर तरफ जा रहे हैं बेचारे लोग, अब रेड करने भी नहीं आ सकते अपने बेस में भाई। क्या सब मिल के पत्थर वत्थर तोड़े जा रहे हैं भाई, यार यहाँ के लोग भी अब अच्छे से काम कर रहे हैं। ओके चलो बेस 20 पत्थर इधर और बाकी पत्थर इधर, एक ही पत्थर है इसको रखे रहते हैं। चलो भाई लगेगा, कौन लगेगा यहाँ काम पे? प्लारिस एक काम कर तू यहाँ पे यार, इस सबको पिघला। चलो भाई ये बेस भी अच्छे से काम कर रहा है। और उजार क्या क्या कर रहा है भाई यार, उजार को भी लेके जा सके यार हराने के लिए भाई। बट एनीवेज यार ये घर को अभी और बनाने की जरूरत है, बट स्टिल वी नीड अ स्लीप, क्योंकि कल हम लोग जाने वाले हैं ब्लैस मत से लड़ने। वेल यार एक और नई सुबह, आज का सफर थोड़ा लंबा होने वाला है यू नो, बट स्टिल आई नीड अ बॉक्स ओवर हियर, फटाफट बनाते हैं, आ जाओ। ओके बन गया, और यहाँ पे रखे जितने भी अंडे हैं भाई, इतना सारा तो अंडा लेके घूम रहा हूँ बताओ। और 3 अंडे को लगा देते हैं यहाँ पे, अलग अलग टाइप के, आइस टाइप, ग्रास टाइप, भाई एक लेजेंडरी अंडा है। अबे तेरी 40 मिनट लगेगा ये अंडे से पोकेमोन निकलने में, लेजेंडरी अंडा है भाई, अल्ट्रा लेजेंडरी, लेजेंडरी भी नहीं। ओके 1 से 15 मिनट, 1 से 3 मिनट और 1 से 40 मिनट ब्रो। बट एनीवेज यार सुबह हो चुकी है एंड अपना बेस में काफी सारे पोकेमोन्स घूम रहे हैं, और अपना बेस भी बहुत सुंदर लग रहा है, और अंदर से तो पूरा खोखला है, ये सब भरना है ठीक है, अंदर भी बनाना मुझे बड़ा भी। चल फ्लैरिस काम पे लग यार। और एक और चीज, भट्टी का काम जरूरी भी नहीं है हम लोग यहीं पे करें राइट, यहाँ पे ये है तो यहाँ पे भी हम लोग भट्टी रख सकते हैं, क्योंकि पत्थर इधर तोड़ा जा रहा है राइट, और भट्टी का काम ऊपर होगा तो थोड़ा सा आगे पीछे वाला सीन है। खैर वो सब तो बात की बात है, फिलहाल यार यहाँ पे भाई मैं बॉल बना सकता हूँ, मेरे पास जितने बॉल है ना मैं उतने बॉल ही लेके घूम सकता हूँ, एक एक्स्ट्रा बॉल बनाने का मेरे पास कुछ सामान नहीं है, नेल्स चाहिए बताओ। चल अनुबिश फटाफट नेल्स बना भाई। ओके और क्रशर भी नहीं है ना, मैंने क्रशर भी नहीं बनाया। हाँ यार भट्टी का काम ना यहीं पे करना ज्यादा बेटर है यार, यहाँ पे अनुबिश फटाफट ये बनाया, ऊपर चढ़ के बना रहा है। बाकी यार मुझे ये सारे भट्टियों को तोड़ना पड़ेगा, फिर कोई मतलब ही नहीं है।
ब्रो बैग भर गया है भाई, गिरा। बाकी चलो आ जाओ चूल्हे पे रख देते जितने भी इंगट्स हैं। अब मैं क्या मैं उठा के क्या रखा हूँ, मेरा बैग में है क्या? अच्छा पत्थर है, ओके पत्थर गिरा दो यार। खाना अभी तेरी, मेरे पास खाना नहीं है ब्रो, दैट्स व्हाई मेरे पोकेमॉन्स भूखे। ओके इन लोग खाना जमा कर रहे हैं, ओके लेट्स गो अपने बेस पे। अब खाना वाना भी जमा होना चालू हो गया भाई। चलो नेल्स भी बन गए, बॉल बनाने वाली ये भी बनाना है मुझे, जिससे बॉल बनते हैं वो अपन यहाँ पे रख। इसको हटाओ यार, वो बॉल बनाने वाला यहाँ रखेंगे। जो मेन मेन चीज है ना वो सेंटर में रखना जरूरी है। ये हो गया हाई क्वालिटी वर्क बेंच, पैल गियर वाला उसको यहाँ बनाते हैं जिसमें अपन शेडल वगैरह बनाते हैं ना, और रिपेयर वर्क बेंच को यहाँ रखे। और बंदूकें बनाने वाली भाई ये सब लगाना है ना, बड़ा मेहनत है यार, लेकिन चलानु विश फटाफट काम करो भाई। इसको भी बना यार, ये जंगली आनुबिश है, ये मैंने यार पहाड़ों से पकड़ा था। अगर आप मेरी सारी एपिसोड देख रहे हो ना तब आपको पता होगा ये जंगली वाला है। अभी फिलहाल यार बॉल, अरे यार वो लगेगा ना, प्रोडक्शन लगेगा भाई, बड़ा मेहनत है यार। ये बेस को कम्प्लीटली मुझे बनाना पड़ेगा, ये जो अल्ट्रा स्पियर है ना इसी में आएगा वो ब्लैजमत। ब्लैजमत नॉर्मल वॉल में घंटा नहीं आने वाला। प्रोडक्शन लाइन यहाँ अपन लगा सकते हैं यार, प्रोडक्शन लाइन के लिए चाहिए 100 इंगट भाई, 100। खैर इंगट की चिंता नहीं है, इंगट मुझे मिल जाएगा मेरे पुराने बेस। लेके आते हैं भाई, आ जाओ यार। ओके वी आर हियर यार। इन लोग बेचारे लोग आम पे काम कर रहे जा रहे हैं, मैं उधर नया घर बना लिया, इन लोगों को पता भी है कि नहीं भाई यहाँ पे मेरी एक भी इंगट नहीं है यार। कहाँ गए सारे इंगट ब्रो? भाई इतने सारे इंगट्स थे मेरे पास। ओके भाई भाई बस 4 इंगट है, 4000 इंगट होने चाहिए मेरे पास, 4000। ये बेस पे काम उतना नहीं हो रहा भाई, ये वाले बेस पे वर्डन ब्रोक वाले यहाँ पे होगा। यहाँ पे कोल है, यहाँ पे कोल का मेन माइनिंग होता है ना, यहाँ पे इंगट नहीं बनते यहाँ पे कोल बनते हैं। तो मेहनत वाला काम है भाई, मेरे को यहाँ जाके एक वो बनाना पड़ेगा। आ जाओ यार, ये वाले बेस में भी थोड़ा कुछ कुछ नई चीजें ऐड करते हैं। यहाँ पे इन लोग लकड़ियां बनाते हैं राइट, बट अब से इन लोग पत्थर भी तोड़ेंगे और माइनिंग भी करेंगे भाई, पत्थर की फिर कमी हो गई। चल भाई अनुबिश फटाफट बना, चलो चलो पत्थर तोड़ना चालू करो भाई। यार सब मिलके पत्थर तोड़ रहे हैं भाई, लेकिन यार सब को यहाँ पे डिप्रेस्ड है, सबके शक्ल देखो, खाना पीने का सब मिल रहा है लेकिन किसी को प्यार नहीं मिल रहा है ना, बेचारे लेबर की तरह बस काम करे जा रहे हैं। बट कोई ना यार, ये बेस मैंने उसी के लिए बनाया, बाकी और वाला एक और बनाया था मैं। चल अनुबिश ये भी बना, बस एक ही चेस्ट है यहाँ पे, उसी में सारी चीजें जमा होती है राइट। चलो अभी लोग यहाँ पे पत्थर वत्थर भी तोड़ना चालू कर दिए, एंड अगली बार जब मैं यहाँ पे आऊंगा बहुत सारे पत्थर मुझे देखने को मिलने वाले भाई। यहाँ पे रेड हो रहा है, यहाँ पे ओके लेट्स गो, पूरा गांव वाले आ रहे हैं। आओ भाई आओ आओ, आओ देखता हूँ कौन कौन आता है। पूरे अलायंस वाले आ रहे हैं, ओके पूरे के पूरे अलायंस वाले आ रहे हैं। अलायंस वाले को तो भाई ये मारेगा कौए, चल दिखा दे भाई। ओ वर्ड एश भी आ रही है भाई, नहीं लाइली ना आ रही है। चल चल कौए मार, अटैक बूम भाई साहब। ये अटैक कब सीखा भाई, ये अटैक तो पहले नहीं करता था यार ये। ओके ये अटैक पुराना है, बट इससे पहले वाला अटैक भाई पहली बार देखा। ओके मैं लेवल अप हो गया, 43 लेवल, लेट्स गो। बेचारे लोग सबके सब अटक गए हैं यार, क्या होगा भाई लोगा। बूम भाई लाइलिन नॉक्ट ऊपर जा रही है, यहाँ पे सब एक एक कर ओ सबको मार दिया भाई। यार लिटरली अब सारे पोकेमॉन्स 40-40 लेवल के जो हो जाएंगे भाई। 39 लेवल की लाइली ने ब्रो, ये मेरे को चाहिए यार, बेचारी अटक गई है पेड़ में यार। तू आ बेलनर्स भाई, गाइस मेरी बेलनर्स 43 लेवल की हो गई है ब्रो। ब्रो ये कैसे हुआ, और मार भी दी क्या? हाँ मार भी दी, नहीं नहीं, नहीं मारी नहीं है ब्रो। हाउ कुड दिस पॉसिबल भाई, 43 लेवल, जितना लेवल का मैं हूँ उतना लेवल का ये हो गई है, कैसे भाई? पकड़ो, मर गई क्या? अबे यार किधर है, धकेल दिए क्या? वो है क्या? हाँ वही है। 1% चांस है, भाग रहे हैं लोग, कहाँ भाग के जाएगी, भाग कहाँ रही है, तेरे को पकड़ना है भाई। अबे ये अटैक, अबे भाई बेलनर्स इतना तगड़ा अटैक कब सीख गया भाई, अंडे से निकला वाला बेलनर्स, इतने अंडे से निकले पोकेमॉन्स इतने ताकतवर नहीं होते यार। यहाँ पे क्या लूट है भाई, चला जा। नहीं आ रही यार, वो गायब हो जाएगी। ओके कहाँ है बेलनर्स, कहाँ है? ओ भाई वो ऊपर से लड़ रही है, अलग ही डार्क है यार उसका। लो तो लेट्स सी, 43 लेवल की ब्रो, विच इज ह्यूज भाई, अंडे से निकल के 43 लेवल का होना, इट्स नॉट काइंड ऑफ वियर्ड भाई। रुको मेरे को चेक करने दो कितने लेवल की है, 45 लेवल की हो गई है ये। रुको शैडो बीक भाई भाई भाई, शैडो बीक अपना 50 लेवल का हो गया, और अनुबिश 47 लेवल का, ये इसमें चेंज नहीं है, फ्लैरिस अपग्रेड हो गया। ओके ये 38 भाई, आज क्या हो रहा है भाई, इतनी ताकतवर यार। ओके लेट्स गो, पहले मुझे स्किल पॉइंट बढ़ाने दो, हेल्थ बढ़ाते हैं, आई एम नॉट किडिंग ब्लेस। चलिए बात करते हैं कि कैसे आप बन सकते हैं बाजीगर और जीत सकते हैं क्रेजी कैश प्राइजेस विद आईफोन 15 सिर्फ और सिर्फ 1 रुपए में। सीक्रेट आपका क्रिकेट का क्रेज। 15 को आईपीएल का मैच है बैंगलोर वर्सेस हैदराबाद के बीच, मैच से पहले यार डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड करो माय 11 ऐप को और अभी टीम बनाओ। टीम बनाने के लिए आपको दोनों टीम से 11 बेस्ट प्लेयर सिलेक्ट करने हैं, और उनके एक्चुअल परफॉर्मेंस के बेसिस पर आपको पॉइंट मिलेंगे। आपके जितने ज्यादा पॉइंट होंगे उतने ज्यादा बड़े प्राइस आपको मिलेंगे। एंड अगर अभी भी कंफ्यूजन है तो इस ऐप के एक्सपर्ट टीम सेक्शन में टीम कॉपी कर लो, डाउनलोड करके गिव अवे
कॉन्टेस्ट ज्वाइन करो और जीतो आईफोन 15। इस कॉन्टेस्ट की एंट्री फी है बस ₹1 यार। और ज्वाइन करो मेगा कॉन्टेस्ट और यहाँ पे आपको मिलेंगे बाजीगर ऑफर। चाहे एक टीम बनाओ या 20, आपकी ज्वाइनिंग फी आपको पूरी तरह रिफंड हो जाएगी अगर आप हारते हो। मतलब अगर आप 20 टीम पर आपको कोई लॉस नहीं होता और अगर जीत गए तो मेगा कॉन्टेस्ट में आपको मिलेंगे आप मिनिमम 1 करोड़ इन द फर्स्ट प्राइस। तो सोचो और कितने बड़े प्राइजेस होंगे। ये दोनों ऑफर सिर्फ और सिर्फ 15 मार्च के लिए अवेलेबल है सिर्फ मेरे सब्सक्राइबर के लिए यार। और मेरे दिए लिंक से ही एक्टिवेट होगा। डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक से डाउनलोड करो और मेरा प्रोमो कोड यूज करो तो डिपॉजिट करने पे आपको मिलेंगे 20% एक्स्ट्रा कैश। मैंने तो अपनी टीम बना लिया है बिकॉज आई ट्रस्ट माई 11 सर्कल। अब तो माई 11 सर्कल आईपीएल का ऑफिशियल स्पॉन्सर हो गया है। सो मेक योर टीम नाउ ऑन माई 11 सर्कल फॉर बेंगलुरु वर्सेस हैदराबाद राइट नाउ। मत को ये आराम से मार देगी भाई। बेलनॉयस इज द गॉड ऑफ पोकेमॉन। भले ये बच्चे वाली है, मेरे पास थोड़ा छोटा वाला है। और इधर देख साले यार, ये बहुत ताकतवर है। इसको लिटरली मैं 4 बार में मारा हूँ बट स्टिल ये अटैक देखो। भाई क्या ही अटैक दे रही है भाई। ओके, ये बीजा वाला अटैक से डर लगा है मेरे को। आग लग गया है ब्रो, इतना खतरनाक डार्क अटैक है उसका। ओके बस एक ही दिक्कत है, अंडे से निकली है। बोल गए यार, इसका एम वगैरह थोड़ा सही नहीं है, एक्सपीरियंस कम है ना। बाकी जहर लग गया बेलनॉयस को, जहर लग गया। बराबर की फाइट है, काइंड ऑफ कह लो बराबर की ही फाइट है। ओ भाई ओके, अब निकालते हैं किट्सुन को। किट्सुन भी 38 लेवल का हो गया यार। ओके ये अभी ओबे भाई जला दिया उसको। ओ भाई किट्सुन भी ये वाला अटैक सीखे। ओबे ये मिस कर दिया यार। ओके किट्सुन अच्छा तगड़ा अटैक, कोई कुछ नया सिखाया तो वो कर भाई। बेचारे को भी जहर लग गया है यार। ये भले वैलेट दिखती मक्खी जैसी है भाई, लेकिन भाई इसका जहरीला जो अटैक है ना, आई डोंट थिंक सो कोई टिक पाता है इसके जहर के सामने। चल तू आ बेलनॉयस, तू जा। मेन तो बेलनॉयस है यार, 45 लेवल की हो गई भाई। शायद ये होगा, ये शायद अल्ट्रा लेजेंडरी है ना यार, इसको समान करके बुलाया गया। ये इस दुनिया की पोकेमॉन नहीं है, दैट इज द रीजन। हो सकता है कि लाइक इसका पावर बहुत जल्दी बढ़ रहा हो, क्योंकि इतने जल्दी नहीं होते अपग्रेड्स यार। मेरे को लिटरली भाई फ्लैरिस को 43 लेवल लाने में फट गई भाई। रोध होके लाया हूँ मैं, लिटरली रोध होके। पिछले 10 एपिसोड से फ्लैरिस मेरे साथ घूम रही है, तब जाके 43 लेवल की हुई है। ये लिटरली आज ही के एपिसोड में पैदा हुई है, अभी के एपिसोड में अंडे से निकली है और 43-45 लेवल एक्चुअल में, ठीक है। बाकी वो बात अलग है, इसका अटैक थोड़ा कमजोर है, सीखेगी लेकिन धीरे धीरे सीखेगी, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा मैंने इसको कुछ वो दिया था ना, मेरे पास ये है ट्रेनिंग मैनुअल। अच्छा ट्रेनिंग मैनुअल, दैट्स गेन्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस। ओके अच्छा, ये मैं किसी को दूंगा तो उसका एक्सपी बढ़ेगा। ओके एक्सपी अभी किटून का बढ़ाते हैं, 39 लेवल का हो गया। ओके हाँ, आप लोगों ने देखा अभी किटून 39 लेवल का हो गया है। ओके ऐसा सिस्टम है क्या? खत्म भाई, वो कितना देर टिकेगी? थोड़ा देर और यार, आई थिंक सो गाइज, मैं मजाक नहीं कर रहा, कुछ दिन और फिर अपने पास इस गेम के सारे ताकतवर पोकेमॉन्स हो जाएंगे यार। हो गया, अब इसको नहीं, अबे नहीं तुमको नहीं, तुम जाओ किट्सुन, तुम मारो। इसका थोड़ा कम है अभी, 39 का है, इसको भी एटलीस्ट 40 चाहते हैं। एक फायर अटैक दे भाई, मर जाएगी भाई। इधर आ तू, मेरे को बिठा, साथ में मारते हैं फायर बॉल पहला, खत्म इसी में ही खत्म। अबे यार टारगेट इतना गलत भाई, मैं बैठ के मारता हूं ना, टारगेट बहुत मिस होता है। ओके अब ये देखते हैं। ओ भाई सब खत्म। कितना देर तक टिकेगी? और लेट्स गो, खत्म भाई। किट्सुन एक बार चुम्मी दे भाई, उसी में खत्म। चुम्मी देने की भी जरूरत नहीं है, वो आग से ही मर जाएगी। ले भाई मर गई यार। और इससे मिला मुझे टमाटो, कुछ सीड्स और बिचारी की तो यार, इसको मेरे को पकड़ लेना था, मरने नहीं देना था। राइट ओके 41 लेवल का हो गया ना किट्सुन भी भाई। बेलनॉयर 45 की हो गई है, फ्लैरिस 44, ये तो पहले से ताकतवर था। आनुबिस तो 47 का ही था, लेकिन शैडो बीक 50 लेवल का कैसे हो गया, मेरे को ये यकीन नहीं हो रहा यार। 50 लेवल का शैडो बीक इज अ गॉड टाइप पोकेमॉन यार, इतना ताकतवर है ना। बस मेरा लेवल कम है बोल के दिक्कत है, वरना आई डोंट थिंक सो कोई हरा सकता है यार। बट एनीवेज यार, चलो चलते हैं अपने पुराने बेस में। यहाँ पे मेरा एक पुराना बेस था, आपको याद है यार, वहाँ पे मेरी बहुत सारे इंगट वगैरह अगर पड़ा होंगे तो मैं तोड़ के ले लूंगा यार। ओ लिफमंग, ओके वो रहा मेरा बेस भाई, यही पे तो समन किया था मैंने। बेलनॉयस यही आई थी, पूरा बेस को तोड़ी थी, लेकिन ज्यादा डैमेज नहीं किया था इसने। ये बेस ना खास नहीं था, लेकिन ये भी अच्छा ही था यार, काइंड ऑफ यार। ये देखो यहाँ पे इन लोग घूम रहे हैं भाई। फ्लैरिस चल दिखा तो, हु इज द गॉड, चल दे भजिया बना दे, एक नंबर सब एक बार में खत्म। बाकी इधर पत्थर हैं, लकड़ियां हैं, बॉक्सेस में क्या है, पत्थर कुछ खास नहीं, रूबी रख लेते हैं और ये रख लेते हैं। ओके शायद प्रोडक्शन लाइन जो था वो टूट गया है, जो मेन चीज यहाँ से मेरे को लेना था वो नहीं है यहाँ। भाई पूरे चेस्ट खाली है, लूट लिए क्या भाई इन लोग, कुछ भी नहीं है यहाँ। ऊपर में मैंने ज्यादा कुछ बनाया नहीं था भाई, लेकिन यार पूरा मैंने म्यूजिक सिस्टम, नहाने का बाथरूम सब बना दिया था यार। बड़ा एनीवेज ये बेस को मैंने तोड़ दिया। बाकी इसमें मैं नहा सकता हूँ क्या? रिपेयर किट मांग रहा है। अबे भाई चेस्ट में कैसे आग लग गया? हेलो क्या क्या सामान है इसमें? पत्थर हैं, कपड़े हैं, हाई क्वालिटी ये रख लेते हैं, ये भी रख लेते हैं और लाइफ एंडेंट कोई काट गया। ओके गाइस बैक इन द बेस यार। और भाई अब हम लोग जाने वाले हैं प्लाज्मा से लड़ने यार। गाइस सबसे मेन दिक्कत बताओ आज क्या है अपनी यार, कि भाई ने पास बॉल्स बहुत कम है, हाइपर बॉल में आ गया तो ले लो यार।
क्या ही बताओ भाई, भगवान मेहरबान वाला सीन हो जाएगा। बट बैलेनर जा रही है अपने साथ, शैडो बिग तो जाएगा ही जाएगा, किटसुन को नहीं लेके जाऊं सोच रहा हूँ। कुछ आइस टाइप, देखो ब्लाज़मथ के सामने कौन टिक्स रहा है, वाटर टाइप पोकेमॉन्स यार, वाटर टाइप पोकेमॉन्स में सबसे एक है अपना फेंगलाओ। एनुबिस ग्राउंड टाइप घंटा कुछ काम नहीं आने वाला, वाटर टाइप है सिब्लिक्स। भाई मैं ऐसे ऐसे पोकेमॉन ले जाने वाला हूँ ना जो कभी काम ही नहीं आया भाई। सिब्लिक्स है, हाथिया तो आइस टाइप होती है, रेंड्रिक्स वगैरह नहीं। सुजाकू एक्वा को भी ले जा सकते हैं यार, सिब्लिक्स ले जाऊं या फिर सुजाकू एक्वा को लेके चलते हैं। और बाकी पोकेमॉन्स तो है यार। वेल यार अब हम लोग पकड़ने वाले हैं ब्लाज़मथ, लेट्स सी भाई। वेलकम टू द ब्लाज़मथ की जंगल यार, पहले वो ले लेते हैं गरम कपड़े। आजा भाई फ्लैरिस और चल मेरे साथ, पकड़ते हैं आज कुछ लेजेंडरी पावरफुल पोकेमॉन्स यार। ब्लाज़मथ यहाँ तो आ गया, लेकिन यार गाइस 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 ये जो पत्थर आप लोग देखते हो ना, ये जितने भी ऐसे फोटोज है ना, ये जितने भी ऐसे मूर्तिज वगैरह रहती है। अबे भाई ये कौन है, लावा अटैक कौन कर रहा है। हाँ तो ये जितनी भी मूर्तिज रहती है, ये दो पोकेमॉन है, पैलेडियस और नार्कोमस, भाई नार्कोमस जो भी नाम है, वो दोनों की मूर्ति है भाई। जितनी जगह भी हम लोगों ने देखा था, मुझे पता नहीं था ब्रो ये वो दोनों की मूर्ति रहती है। मैं सोचता था भाई कौन सा पोकेमॉन है दो ठो यार, शायद ये दोनों पहले दुश्मन हुआ करते थे एंड अब शायद भाई बन चुके हैं, ऐसा कुछ स्टोरी था। बट एनीवेज यार वो रही ब्लाज़मथ की गुफा। एंड क्या लगता है गाइस, आज ब्लाज़मथ को अपन हरा पाएंगे, पकड़ पाएंगे? भाई देखो बॉल की कमी है, ठीक है, अगर किस्मत रहा, अगर भगवान मेहरबान रहे तो डेफिनेटली वी गोना हैव हिम भाई, फॉर रियल वी गोना हैव हिम। और मेरे बैग में एक सामान रखने के लिए जगह नहीं है, कुल्हाड़ी काहे लेके घूम रहा हूँ भाई मैं। ओए तू इधर आ, फालतू में पंगा लेता रहता। चल फेंगलॉफ बिठा ले भाई गोदी। भाई यार अभी अटैक बचा के रखो भाई, खाना वाना है ना। हाँ खाना वाना है, चलो। पता चला भाई खाने वाने की दिक्कत हो रही है, रुको टमाटर के बीजे लेके घूम रहा हूँ। मेडिसिन अभी कोई काम का नहीं है, वुल भी फेंको यार, अंदर जाके बहुत सारी चीजें मिलेगी। अबे कौन है, अबे कौन मार रहा है भाई, वैन यहीं से मार। अबे भाई अभी यार कितना अंधेरा हो गया इधर गाइस। भाई रुको पहले बाहर निकलते हैं, कुछ ज्यादा ही अंधेरा लग रहा है मेरे को, तो कुछ दिख भी नहीं रहा। इन लोगों को पहले मार देते हैं यार, ये लोग क्या नाटक कर रहे हैं। मार तो बैंगलॉफ जल्दी भाई, जल्दी फटाफट, एक नंबर दो अटैक और दे, बर्फ बना दे भाई इन लोगों का। एक नंबर जहर देखे मार रहा है, एक तरफा भाई क्या डैमेज दे रहा है यार। बाकी इसको अपन पकड़ते हैं, आजा मुश्किल है, बड़ा पोकेमॉन है, मैं सस्ता वाला बॉल फेंक दिया हूं यार। चलो खैर इस बार आ गया, क्यों नहीं आ रहा, परफेक्ट खत्म। अच्छा उड़ने वाला है ना, बर्फ अटैक से नहीं होगा, जहर से हो जाएगा खत्म, वो जहर मार देगा उसको। चला जाता फेंगलॉफ भाई, उजाले में रहना है, मैं अंधेले में अंदर कतई नहीं जाना चाहता यार। और अंदर जाते जाते अंधेला बढ़ते जा रहा है। अबे रुको, ये गेम में एक एबिलिटी भी तो आया था ना, एबिलिटी वाले मास्क, एबिलिटी क्या है इससे, एबिलिटी टू यूज डिस्कवर हिडन पेल एबिलिटी। अच्छा ये तो कुछ और है, इलेक्ट्रिक एग इंक्यूबेटर। भाई रात में देखने वाला भी कुछ लगाओ यार, कहीं नहीं है भाई कुछ। वो देखो ब्लाज़मथ, ये एरिया में कुछ दिखाई नहीं है ना यार, क्या पहनूं भाई, ठंडे कपड़े, मेटल पहनने से तो घंटा कुछ नहीं हो रहा यार। रुको यहाँ पे मैं पहले ना वो बढ़ा लेता हूँ इस गेम की ब्राइटनेस, ताकि थोड़ा सा दिख सके। ओके अब थोड़ा दिख रहा होगा, अब आपको को दिख रहा होगा भाई साहब, लुक एट दिस भाई। अभी अपन इसको हराने वाले हैं एंड पहला अटैक मैं करूंगा जो की है बर्फ का। घंटा कुछ नहीं हुआ भाई, वो सो रहा है क्या, ये सो रहा है क्या भाई, ये कितना बड़ा है ब्रो। एक्वा बस्ट लेट्स गो, बम का गोला। ओके उसकी फट गई लेट्स गो। चल फेंगलॉव मारना है भाई, क्या लगता है गाइस, डैमेज तो गंदा दे रहा है फेंगलॉव। ओके जीत सकते हैं, लेट्स गो, जहर की बारिश भाई, मैं पकड़ लूंगा, आई एम नॉट किडिंग, मैं इसको पकड़ लूंगा। बस ये बॉल में आ जाए, मेरे पास जो बॉल है ना, मेरे पास बस चार बॉल है, दिक्कत ये है, बस चार बॉल है मेरे पास, बस दिक्कत यही है। अगर 10 बॉल होते भाई, यार लावा अटैक में गया, आई एम सेफ यार। फेंगलॉव को कुछ नहीं होगा भाई, ये गरम एरिया में रहता है प्लस आइस टाइप पोकेमॉन है, बट बेचारे को आग लग गया है यार। ओके नो प्रॉब्लम भाई, एसिड अटैक एक नंबर अटैक है यार। ओके लेट्स गो, चल फेंगलॉव तमाशा नहीं देखना बेटा, मारो। ओके परफेक्ट एसिड अटैक, ये ऐसा है, सुजाकू एक्वा बुलाओ यार, ये खड़े होके अटैक कर रहा है यार, ये तो भाई पानी पे पानी मारेगा। बस सुजाकू एक्वा थोड़ा सा कमजोर है राइट। ओके मेरा शील्ड टूट गया। नहीं भाई फ्लैरिस नहीं, फेंगलॉव तू ही जा। शिट भाई, डैम ब्रो, छोटी सी गलती की वजह से मरा हूं मैं, अटक गया था वहां पे यार। वाह भाई क्या सीन भाई, बेमतलब मरा हूं भाई, मैं नहीं जानता, रुको मैं फिर जाऊंगा, लिटरली फिर जाऊंगा, इस बार जॉर्मुंड डैड को भी लेके जाऊंगा। रुको फ्लैरिस का कोई घंटा काम नहीं है, लेकिन यार नहीं इसको लेके नहीं जाएंगे भाई। सुजाकू एक्वा सारा नाम का एक्वा मर गया भाई यार, मार ही नहीं पा रहा था। अब भाई गेम बहुत ज्यादा ब्राइट लग रहा है आई नो, बट मेरे को फटाफट यहां से निकलना चाहिए, कुछ ज्यादा चमक रहा है यार गेम। बस अभी थोड़ा सा इग्नोर मारो ये चमक धमक, मैंने गुफा के लिए बढ़ाया बस। चलो भाई दोबारा
यहाँ से केव में हम लोग आ चुके हैं एंड फिर से यहाँ अंधेरा हो गया, बट इस बार ठीक है, एटलीस्ट रास्ता दिख रहा है, पहले रास्ता भी नहीं दिख रहा था भाई। एंड इस बार मुझे नहीं मरना यार, सीरियसली मुझे नहीं मरना, इस बार एटलीस्ट मार के रहूंगा भाई। ये देखो साला ब्लास्ट मॉन, ले भाई जॉर्मुंड टाइट से लड़ भाई, मेरे से लड़ रहा था ना, इससे लड़ भाई, जॉर्मुंड टाइट से लड़, लेट्स गो। इतना बड़ा मछली अंदर लेके आया हूँ मैं, लेकिन मछली को घंटा भाई, अबे भाई यार इधर इंद्रधनुष निकाल दिया भाई, नहला दे रहा है ब्रो ब्रो। अगर हम लोगों को ब्लेज मत पकड़ना है अकेला भाई, मेरा शील्ड टूटा, मेरे को आग कैसे लगा, मेरे पास तो अटैक ही नहीं आया, मेरे को आग कैसे लगा, हेलो भाई बुझ जा यार, टाइम लगेगा क्या बुझने में। ओके वो मेरे को ही देख रहा है भाई, मेरे पास आ गया, तेरी भाई निकलो अबे यार, लावा अटैक, मैं गया नहीं नहीं, मैं सेफ हूँ, कहाँ है उन लोग भाई, सूरज निकाल दे रहा है यार, ये देखो अबे यार, ए भाई अबे बच गया मैं तभी आऊंगा जब यार मेरा हेल्थ बढ़ जाएगा, तब यार तुम लोग लड़ो वहीं पे, तक मैं घंटा नहीं आने वाला भाई, बेचारे का वो हो रहा होगा दिमाग खराब हो रहा होगा। उधर से मेरा जॉर्मुंड टाइट उसको मारे पे मारे जा रहा है, झटके उठके सब दिए जा रहा है, मैं पूछ में मारता हूँ इसके, दहला दे रहा है ब्रो। लेकिन जॉर्मुंड टाइट का भी हेल्थ बहुत कम हो गया है, घंटा कुछ नहीं कर सकता, तू ब्लेस मत मेरा, क्या मस्त अटका है नहीं है, ले भाई तू करते रह अटैक, मैं तेरे को झटका देता हूँ। कुछ बॉम्ब वॉम्ब रखा हूँ क्या मैं, किस्मत खराब है यार, बॉम्ब वगैरह लेके नहीं आया भाई, जा यहाँ से यार, यहाँ पे खड़े रहेगा तो मैं कैसे करूंगा भाई, अंदर चलो भाई, इसके अड्डे में घुस के मारेंगे, चलो 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 यहाँ पे आके मारेंगे भाई, घुस गया उधर भाई, नहला दे रहा है ब्रो जॉर्मुंड टाइट यार। एक बार जॉर्मुंड टाइट को बुलाओ, शैडो बिक तू, अब वो अटक गया था यार, मेरे को बुलाना नहीं चाहिए था, शैडो बिक का मेरे को अटैक दिख रहा है, ये डार्क पॉकेमॉन भाई मारना है, लो तमाशा क्या दिख रहा है, मार भाई, मेरे को एम कर रहा है, ओबे भाई शील्ड टूट गया, वो बहुत तगड़ा अटैक करता है यार, नहीं शैडो बिक घंटा कुछ नहीं कर सकता, मैं गया नहीं, मैं सेफ जगह हूँ, ओके थोड़ा मोटा डैमेज भाई, शैडो बिक का ये है ना, भले लो अटैक दे रहा है लेकिन बहुत तगड़ा अटैक दे रहा है, बैंगलोर तू मार, ओके ठीक है परफेक्ट, ब्लास्मत आज अपने हाथों में आ जाएगा भाई, ये जहर भी बहुत तगड़ा रहता है, ब्लास्मत की हेल्थ लिटरली आधी हो गई है भाई, नहलाता था अलग, ओके इसका ये डिसएडवांटेज है ना, खड़े होके अटैक करता है भाई, इसलिए घंटा कुछ नहीं होता, जला दिया भाई, वाटर टाइप पॉकीमॉन में आग लगा दिया ब्रो, बैंगलोर तू आ, जॉर्मुंड टाइट तू जा, ओके आई एम सेफ साइड, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ये छोटा सा जगह में बेचारा जॉर्मुंड टाइट को समा भी नहीं पा रहा है यार, चल 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 नहला दे, एक नंबर भाई, डिबड़ी गुल्लो जाती है भाई, नहा लिया यार पूरा, साला कितना दिन से नहाया भी नहीं होगा, ओके आई एम सेफ यार, जॉर्मुंड टाइट मुझे बचा ले रहा है ब्रो, तू बेस्ट है भाई जॉर्मुंड टाइट, झटके मत दे भाई, बस नहला दे उसको भाई, जॉर्मुंड टाइट का मुंह क्यों उतरा हुआ है भाई, मार भाई मार, कुछ खाएगा तो बता, खिला भी दूंगा तुझे, रुको यार मैं जॉर्मुंड टाइट को खिलाता हूँ, किधर है, ले भाई सब खा ले, नहला दिया भाई, सूरज भी निकाल दिया भाई, लो भाई वो मर गया, फ्लैरिस तू जा, आई मीन फेंगलव तू जा, मैं समझ गया यार, इसको हराने के लिए ना मुझे एटलीस्ट 2 से 3 वो लगेंगे भाई यार, इसको हराने के लिए बस मुझे चाहिए भाई कुछ वाटर टाइप जॉर्मुंड टाइट, दैट्स इट, जॉर्मुंड टाइट अगर मुझे और मिल गया ना, कह लो नेक्स्ट एपिसोड इज द फाइनल एपिसोड फॉर दिस यार, ब्लास्मत, अगले एपिसोड में अगर ब्लास्मत नहीं आया ना भाई तो नाम बदल देना यार, आज के एपिसोड में भी आ सकता है अगर फेंगलव मार दिया तो, क्योंकि फेंगलव अकेला बचा है वाटर टाइप में, खाली 2 ही लेके आया हूं, मार भी देगा हु नोस, बट्टू जा शैडो भी अब नहीं बचा यार, फेंगलोव को मुझे थोड़ा प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा वरना वो मर जाएगा, दिक्कत होगा, चल कौवे मार भाई, पोज देने के लिए नहीं बुलाया हूं तुझे, मार, कौवा का यही दिक्कत है यार, खड़ा हो जाता है भाई, फेंगलोव मर गया, भाई फेंगलोव कैसे मर गया, मैं तो मरने से पहले उसको बुलाया था, व्हाट द हेल भाई, क्या ग्लिच है, ग्लिच से मरा हूं भाई, नहीं मरा, ओके ओ भाई मैं पकड़ लूंगा लिटरली, पहला अटेम्प्ट ब्लास्ट मॉथ को पकड़ने का, पहला अटेम्प्ट प्लीज आ जाएगा, अबे नहीं आया यार, शिट भाई मेरे को यकीन नहीं हो रहा, हम लोग आज ब्लास्मत को पकड़ने आओगे, एम सेफ, कौवे मार ना भाई, कौवे मार, क्या कर, अबे भाई भाई भाई, अबे शिट, मेरी एचपी गई, कंप्लीट एचपी गई भाई, ये अटैक इसका डार्क अटैक, ओके बेटर, बट मुझे संभल के रहना होगा, मेरा एचपी बहुत ज्यादा डाउन है, ओके थोड़ा सा और, थोड़ा अभी भाई बच गया, आई एम सेफ, मेरे को डर लग रहा है गाइस, अब आई एम लिटरली स्केयर्ड भाई, ओके ओ शिट, कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं होगा, आई एम सेफ 1% है, थोड़ा और बढ़ने दो, मेरे पास 3 ही बॉल है यार, मेरे पास लिटरली 3 ही बॉल है बस, 300 में उसका एचपी आने दो, एटलीस्ट 300 में, फिर उसके बाद ट्राई करते हैं, एंड आई गेस ये एक मौका है, मेरे को ट्राई करना चाहिए, अबे तेरी भाई, कुछ नहीं हुआ भाई, मेरा एक बॉल फिर वेस्ट हो गया यार, ओके 500 एचपी है उसकी, प्लीज प्लीज, वाओ भाई यार ये भड़कते जा रहा है जितना, वो भी भाई, ओ बे तेरी यार,
पहले नॉर्स को मारा था उसने, मैं कैसे मर गया भाई? उसकी एचपी इतनी थी भाई, इतनी भाई। ब्रो वी लॉस्ट गॉड डैम लेजेंडरी पोकेमॉन भाई। वो मार देगी देखना, अभी मैं यहीं पे रुका हूं ना, वो मार देगी देखना, कसम से मार देगी। पांच सेकंड रुको, अकेले मार देगी देखना यार। मैं कसम से भाई मैं जीत ही गया था ब्रो। जल्दी बेलनर्स जल्दी उसको मार। मैं तो खैर लाश बन गया मेरा यार, समाधि बन गया, बट वो मार देगी। उसका खाली 500 HP कुछ बचा हुआ था राइट, वो तो मेरे ऊपर उछल रहा है, बट कोई ना, मार देंगे। रुको रुको थोड़ा मैच देख लेते हैं गाइस। अबे वो बैठ गया यार, वो सो रहा है। मैं मर गया तो वो सो रहा है, लेकिन मर जाएगा वो देखना। नहीं उसकी शायद HP फिर आ गई होगी शायद। भाई वो कितना बड़ा दिख रहा है भाई यहाँ यार, फिर बैठ के सो जाएगा। वो दे सोने लगा। नहीं वो शायद उसका हेल्थ फिर से वो हो गया, शायद फुल हो गया होगा। ये अटैक के बाद पता चलेगा अगर वो मर गया ब्लास्ट तो। नहीं उसका हेल्थ शायद फिर से फुल हो गया होगा, बट यार नहीं उसका शायद हेल्थ पूरा फुल हो गया होगा, इसलिए वो मर नहीं रहा। बट एनीवेज बैक इन द गेम यार, लिटरली भाई हम लोग इतने क्लोज थे भाई, इतने क्लोज। कोई ना थोड़ा मैं गेम का ब्राइटनेस कम करता हूँ यार, सच में यार। बट ये यहाँ सिंडिकेट्स का बेस कहाँ से आ गया यार? खाली हो गया होगा भाई इतने देर में। सही है भाई, फ्री में अपने को यहाँ पोकेमॉन्स मिलते रहेंगे कभी कभी। बट यार अफसोस बहुत तगड़ा हो रहा है मुझे यार, थोड़ा सा देर और टिकता। दो बॉल थे मेरे पास, बॉल भी कम थे वैसे, ये भी बात था, मैंने दो ट्राई दिया था। बट स्टिल यार प्लाज्मा मेरे हाथों से निकल ही गया भाई। जॉर्मोटाइट पकड़ना पड़ेगा यार, मेरे पास एक ही जॉर्मोटाइट है, यहाँ का एक जॉर्मोटाइट और यहाँ का। मैंने मेरे पास यहाँ वाला है, ये थोड़ा ना कंप्लीट वाटर टाइप है, ये तो है मेरे पास। साथ ही साथ ये वाले जॉर्मोटाइट को भी पकड़ने चलेंगे यार। यार सच में यार थोड़ा सा बच गया भाई, लिटरली थोड़ा सा बच गया। आज अपने पास यार ब्लास्ट होता यार। बट एनीवेज यार मेरे सारी चीजें टूट गई है, मुझे इन सबको बनाना होगा। शील्ड वगैरह, मेरे क्रॉस बोज यार, मुझको जहर पॉइजन वाले क्रॉस बोज वगैरह लेके जाने थे राइट यार। बहुत ही ज्यादा कर रहा है मुझे यार, थोड़ा देर और टिकाना भाई कसम से आ जाता, बट खैर बॉल की भी कमी है मेरे पास। खैर आ जाओ भाई, एक जॉर्मोटाइट पकड़ के आते हैं। मुशांडा इला टाइप पोकेमॉन टिक है भाई उसके सामने, मुशांडा वगैरह लेके चलते हैं। फ्लैरिस तो जाएगी, शैडो बिग तू भी चल। बेलनॉयर्स नहीं रुको, पहले पोकेमॉन अच्छे से छाटते हैं राइट। ओजाक चलेगा, शैडो बिग भी जाएगा, बेलनॉयर्स भी जाएगी, फ्लैरिस भी जाएगा यार। चलते हैं, चलो भाई मैं उतरा क्या ही सोच रहा हूँ, कौन सा ज्यादा ताकतवर है यार जॉर्मोटाइट को हराना। हरा देंगे भाई, क्या ही दिक्कत है। ऑलराइट यार सुबह सुबह का वक्त एंड हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं जॉर्मोटाइट को पकड़ने। एंड गेस व्हाट, क्या हम लोग पकड़ पाएंगे जॉर्मोटाइट को भाई? और मैं खाना, भाई खाना इतना कम है भाई, भूख प्यास से ना मर जाए यार। हमेशा मैं अधूरा काम क्यों करता हूँ गाइस, क्यों 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 क्यों। और रात होने वाली है शायद, वाह। और गिर के मेरी हेल्थ भी डाउन हो गई। वो रहा जॉर्मोटाइट यार, हम लोग जॉर्मोटाइट को पैदा भी तो कर सकते हैं राइट। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कॉम्बिनेशन बताओ तो यार, जॉर्मोटाइट को पैदा करने का कॉम्बिनेशन। बाकी आजा ओजाक, मार भाई इसको, मार। तैरता भी है ओजाक भाई, मार भाई। ओबे तेरी भाई बच गई, त्रिशूल अटैक, एक नंबर भाई। ये जल्दी मार देगा, जल्दी हो जाएगा। और बॉल भी बस, वाओ मैं एक ही लेके आया, हाइपर बॉल। ओके हाइपर बॉल है, मेरे को मारने के चक्कर में ये, बट नो प्रॉब्लम, ओजार्क अकेला झेल देगा, ओजार्क अकेला मार देगा ब्रो। ही इज द गॉड भाई, इलेक्ट्रिक गॉड है ये। मैं आप लोगों को दिखाया नहीं हूँ, बताया नहीं हूँ, बट ये इलेक्ट्रिक गॉड है ब्रो, देख रहे हो भाई। मछली पकड़ रहा है पानी के अंदर यार, पानी से घंटा कुछ नहीं होने वाला ओजार्क को। जितना पानी मारना है मार ले भाई। ओजाक को ये बिजली मार रहा है, बताओ। जॉर्मोटाइट ओजाक को बिजली अटैक कर रहा है भाई। जॉर्मोटाइट को पता नहीं है क्या भाई, ओजाक खुद एक इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन है। चल ओजाक एक और झटका दे। ओबे भाई एक नंबर, मेरा हेल्थ बहुत डाउन हो गया अब, लेकिन थोड़ा देर और बस। मेरे को इलेक्ट्रिक झटका देने से क्या होगा जॉर्मोटाइट, तू तो बेटा खत्म है। ले भाई खत्म झटके से, किसी को लेके आने की जरूरत ही नहीं थी भाई। इसको हटाओ, शैडो बिग को बुलाओ, शैडो बिग जल्दी गेम खत्म कर यार। शैडो बिग भले नॉर्मल टाइप पोकेमॉन है यार, आई मीन डार्क टाइप, लेकिन इसका डार्क अटैक बहुत ताकतवर होता है। चल भाई अटैक मार लेना भाई, क्यों इन्हें तमाशा करता है पहले पता है। वो भाई बहुत लो अटैक था, ज्यादा उसका हेल्थ ही नहीं रहा। ये वाला अटैक से गिरता है, ओके ये देगा। नहीं ये भी थोड़ा नॉर्मल ही था। आजा भाई ओजाक, तू ही दे रहा था तगड़ा। चल ओजाक खाता, थोड़ा देर और यार, लिटरली थोड़ा देर और, फिर ये बड़ी मछली अपने बॉल के अंदर होगी एंड फिर अपन रेडी है भाई हराने के लिए अपने ब्लास्ट। क्या 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 क्या, वाटर अटैक करके ओजाक का कुछ बिगाड़ सकता है जॉर्मोटाइट? आंख फोड़ दूंगा तेरा भाई। बच गया भाई इसका वाजा, इसको लग गया झटके। रुको आजा ब्रो, की तरह मार रहा है भाई ओजाक, तितली जैसा पंख है, पावर राक्षस जैसा है भाई। एक और ओजाक, एक और ओजाक को भी अपन लेके जा सकते हैं यार मारने के लिए। ब्लास्ट अगले एपिसोड में लेके जाएंगे यार भाई, उसके पंटर लोग आ गए भाई। स्वीपा भाई तुम लोग बच्चे लोग यहाँ क्या कर रहे हो यार, खत्म सारे सुई पास खत्म एक झटके में। एक जन बचा है, सुई बचा है क्या, सुई लगा दूंगा तेरे को भाई।
एक और अटैक, लेट्स गो 800 भाई ये आ जाएगा, रुको अटेम्प्ट करते हैं, आ जाएगा या तो मर जाएगा यार, बॉल की कमी है मेन पता है भाई, भाई कुछ नहीं हुआ। 300 पे ला दे ओजाक, एक त्रिशूल अटैक और दे दे भाई, एक त्रिशूल अटैक मात्र ओजाक, एक अटैक कूद के त्रिशूल मार दे, खत्म है भाई, अब देगा। ओके कहाँ गया, ओ भाई बूम झटके, लेकिन बहुत लाइट था, लेकिन चलो पहला अटेम्प्ट जॉर्मन टाइटली। क्यों भाई अब तो बॉल भी नहीं बचे हैं यार, सस्ता वाला बॉल है, आ जाओ इसको ट्राई करते हैं, इसमें आने के बहुत कम चांसेस है, लेकिन ये भी हाइपर बॉल है यार, आ सकता है। ओके मारियो मत बस ओजाक, प्लीज 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 आ जा यार, प्लीज भाई। एक और अटैक ओजाक, हाँ परफेक्ट है, 100 HP पे ला दे इसको, एक नंबर। चलो एक और बॉल, 25 बॉल है, पूरा बॉल भले वेस्ट कर दूंगा लेकिन मेरे को चाहिए भाई। इसका क्या मुंह उतर गया, क्या चुपचाप हो गया यार, हाँ इतना बड़ा पोकेमॉन पकड़ रहा हूँ मैं, ये चुपचाप सा क्यों हो गया। आ जा भाई ओजाक तू, ये थक गया है, ये थक गया है, ये थक गया। ओके नहीं आया अभी भी, चुपचाप क्यों हो गया, लेकिन यार ये क्या चीज का गम है भाई तेरी जिंदगी में भाई, मेरे को बड़ा अजीब लग रहा है इसको चुपचाप देख के गाइस, लेकिन अब आ जाएगा, आ नहीं जाएगा यार, आ रहा भाई प्लीज, इतना बड़ा मछली भाई, मार दिया, वाओ मार दिया ना, एक नंबर, ताली भाई ताली, वाओ सारे क्यों मारा भाई, अलग ही है यार, मार दिया भाई इतना बड़ा जॉर्मन टाइड को, इतना बड़ा जॉर्मन टाइड को मार दिया ब्रो यार, कुछ ज्यादा ही ताकतवर कर लिया है मैंने पोकेमॉन को, लेकिन क्या दिख रहा है यार ये, ले तू आ भाई तू आ, शिट भाई गलती स्कैम हो रहा है मेरे साथ, ज्यादा ताकतवर बना दिया हूं भाई पोकेमॉन्स को। बाकी इधर बस्ती है यार, गांव आओ, मुझे और ज्यादा तैयारी करनी होगी भाई, ओजार्क हो चुका है 40 लेवल का मेरा, लिटरली 39 से ये भी बहुत ज्यादा अपग्रेड हो गया, लेकिन क्या ही लो करता है, ऊपर अपन बैठ नहीं सकते ना, बहुत सही है ओजाक यार, आजा आजा। और इवन मुशेंडा लग्स जिसको मैं लेके आया था ये भी बहुत ताकतवर हो गया, और इसके ऊपर अपन बैठ के ग्रेनेड लॉन्चर भी यूज कर सकते हैं, ये देखो दिखाऊंगा, स्वीपर का गैंग उड़ाना है, बूम, ओ भाई यार काफिला उड़ गया भाई एक ही शॉट में, बड़ा एनीवेज चलो चलते हैं बेस एंड सोते हैं यार, यहां पे इन लोग क्या कर रहे हैं मैं भी सोचा था भाई, सुबह हो गई क्या, हां सुबह हो गई, सुबह हो गई, सूरज निकल रहा है, वाओ भाई इन लोग भी जग गए ब्रो, डरावने लग रहे हैं, अब मेरे पास फूड नहीं, ओके इन लोग भी खाना जमा करना चालू कर दिया अच्छा खासा। चलो बड़ा एनीवेज यार आज के वीडियो में इतना ही भाई, होप यू एंजॉय दिस वीडियो, इफ यू डिड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। बाकी यार आज हम लोग लिटरली ब्लैज मौत को पकड़ने से इतने करीब थे यार, बट कोई बात नहीं यार, अगले एपिसोड में डेफिनेटली पकड़ लेंगे, ये तो आपको देख के पता चल ही गया होगा, हम लोगों को बस वाटर टाइप पोकेमॉन्स चाहिए, फैंगलॉव या फिर जॉर्मुंटाइड, और मेरे पास जॉर्मुंटाइड एक ही है, तो जॉर्मुंटाइड पकड़ेंगे और फैंगलॉव एक पकड़ेंगे अगले एपिसोड पे, अगला एपिसोड वन ऑफ द बेस्ट एपिसोड होने वाला है, सो डोंट फॉरगेट टू वॉच इट यार। और एक और बात यार, डाउनलोड करो माय 11 सर्कल को और पाओ मौका iPhone 15 जीतने का, सिर्फ ₹1 में यार, एंड जॉइन द बाजीगर कॉन्टेस्ट एंड गेट 100% रिफंड ऑन 10 टीम्स, डाउनलोड फ्रॉम द गिवन लिंक टू विन 1 crore SUV कार्स एंड इवन बिगर प्राइजेस एंड इवन गेट 20% एक्स्ट्रा कैश ऑन द फर्स्ट डिपॉजिट, सो लिंक आर इन द डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट, गो चेक इट आउट। एंड बाकी यार आपको स्क्रीन में और भी ढेर सारे वीडियोस मिल जाएंगे, आप जाके देख सकते हो। बाकी ये रहा पैल वर्ल्ड का पूरा प्लेलिस्ट, जाके देखो, ये तो एक एपिसोड था भाई, इसमें मेरे जितने पोकेमॉन्स पकड़े हैं ना सारे के सारे ये एपिसोड में मिल जाएंगे, अगर आप पूरी सीरीज देखते आ रहे हो तो डेफिनेटली यू गोना लव इट भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा और मैं ना करता हूं, ठीक है, ये ट्रेलर था, पिक्चर पूरा यहां है, जाके देखो। बाकी मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लो अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, इंस्टा पे तुम्हारे भाई को ब्लू टिक मिल चुका है, वेरीफाइड हो गया तुम्हारा भाई, ठीक है तो फॉलो कर लेना यार, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर डेट्रेस गेमिंग सर्च कर लो आपको मिल जाएगा। बाकी मैं मिलता हूं आपसे अगले एपिसोड पे, तब तक के लिए बाय बाय, चाचा लव यू ऑल, पीस आउट।